जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल में स्वागत है। असम राइफल की रिक्वायरमेंट निकल के आ चुकी है, बहुत ही खुशी की बात है। जो लोग तैयारी करते हैं दिल से, वो लोग के लिए 10वीं 12वीं आईटीआई जो भी पास हैं वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। असम राइफल की रिक्वायरमेंट निकल के आई है। असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट रैली 2022 के बारे में बताने जा रहा हूँ। रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट नेम असम राइफल, जो कि रैली भर्ती कराने जा रही है। पोस्ट नेम है ट्रेडमैन, ADBT नंबर है असम राइफल टेक्निकल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट रैली 2022। वैकेंसी टोटल पोस्ट निकला हुआ है 1380 पोस्ट निकला हुआ है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया कैंडिडेट विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई का अपडेटेशन, यानी जल्द ही लास्ट डेट अप्लाई का दे दिया जाएगा, यानी फार्म कब से स्टार्ट है, फार्म का लास्ट डेट कब है, ऑनलाइन का लास्ट डेट कब है, ये जल्दी वेबसाइट पर आ जाएगा। जैसे ही आता है तुरंत हम वीडियो डालेंगे। मोड ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन होगा, यह फार्म ऑनलाइन भरा जाएगा, जो कि आप असम राइफल की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। असम राइफल का वेबसाइट है asamrifle.government.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस रखा गया है ग्रुप बी, जो कैंडिडेट ग्रुप बी के लिए आवेदन करेंगे, ऑल कैटेगरी चाहे कोई सा भी कैटेगरी हो, ₹200 फीस लगेगा। ग्रुप सी के पोस्ट के लिए ऑल कैटेगरी के लिए ₹100 फीस लगेगा। पेमेंट मोड बैंक डिपॉजिट द्वारा किया जाएगा। अप्लाई स्टार्ट, यानी असम राइफल का जो रिक्वायरमेंट निकला हुआ है इसका अप्लाई स्टार्ट 30 अप्रैल 2022 को एक्सपोर्टेड डेट बता रहा हूँ, यानी 30 अप्रैल से ऑनलाइन होने की संभावना है। लास्ट डेट अभी नहीं दिया गया है, लास्ट डेट जैसे ही पूरा नोटिस आ जाता है वैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को सूचित करूंगा। और साथियों, पोस्ट नेम बता दे रहा हूं, कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसी है। ब्रिज रोड मेल फीमेल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट ब्रिज रोड को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 17 है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना जरूरी है, साथ में अगर डिप्लोमा भी मांगा गया है, सिविल इंजीनियरिंग फॉर ब्रिज का कोर्स होना चाहिए। एज लिमिट का बात करें तो एज लिमिट 18 से 23 ईयर्स के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है क्लर्क में मेल और फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क में जो वैकेंसी निकली हुई है 287 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में बात करें तो 12वीं पास प्लस इंग्लिश टाइपिंग 35, हिंदी टाइपिंग भी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें क्लर्क में तो 18 से 25 ईयर्स के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। रिलीजियन टीचर की बात करें तो रिलीजियन टीचर में 9 वैकेंसी है, 9 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन विथ रिलेटेड सब्जेक्ट। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 ईयर्स के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में 729 पोस्ट है, 729 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन योग्यता मांगा गया है 10वीं पास प्लस आईटीआई रिलेटेड
फील्ड एंड 12वीं पास विथ नॉन मेडिकल होना चाहिए। 18 से 25 ईयर्स के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट जो है रेडियो मैकेनिक। रेडियो मैकेनिक में 72 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास प्लस डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड एंड 12वीं पास विथ नॉन मेडिकल। इसमें कैंडिडेट एज लिमिट है। रेडियो मैकेनिक में 18 से 25 ईयर्स कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आर्मरी में पोस्ट निकला हुआ है 48। इसमें 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 ईयर्स के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लेब असिस्टेंट। लेब असिस्टेंट में जो वैकेंसी निकली हुई है 13 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 23 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट में 100 पोस्ट है। 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वेटरनरी। वेटरनरी में वैकेंसी जो टोटल पोस्ट है 10 पोस्ट है। वेटरनरी में 10 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास डिप्लोमा वेटरनरी साइंस होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें वेटरनरी में 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एक और पोस्ट है आया पैरामेडिकल पोस्ट जो कि 15 पोस्ट है। इसमें 10वीं पास 18 से 23 ईयर्स कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वाशरमैन। अगला पोस्ट जो है वाशरमैन का है। इसमें 80 पोस्ट है। 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जो इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 ईयर्स कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथियों एक बात और बताना चाहता हूँ। ये शॉर्ट नोटिस आई हुई है जो कि असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रैली 2022 शॉर्ट नोटिस आप लोग देख सकते हैं। फॉर्म न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं जो आया हुआ था। डेट है 22/4/2022 को प्रकाशित किया गया है। अगला जो भी लास्ट डेट आता है जैसे ही पूरा नोटिस आता है असम राइफल का तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों वंशिका आल जाफ से हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि अगला जो भी वैकेंसी आए आप लोग को मिले। धन्यवाद।